सरकार ने तलवे चट्टण वाले नूं अपने मैंबर बना लिया। उन्होंने कोई भी उन्होंने यहो जी कोई कुरबानी वाला कोई कभी भी किसी साडे हरियाणा कमेटी के एक जगह भी दिखा देन, किसी जगह भी उन्होंने साढ़े नाल खड़े होन या किसी भी मीटिंग के आए हो, सानू यहो जे मैंबरां दी बिल्कुल कदाचित लोड़ नहीं हैगी। विरोध तो ये है जी, जिन लोगों ने संघर्ष किया 20-20 साल से, लाठियां खाई, जिन लोग हमारे पास सारे पड़े हैं, हमने कुर्बानियां करी, धरना लगाया, फूलचंद मलाना जी के सामने, चट्टा साहब की कोठी के सामने धरने लगाए, सबके विरोध में सारी संगत ने अपने पल्ले से पैसे खर्च करे, कुर्बानियाँ करी, टाइम खराब करा, गाड़ियाँ तोड़ी अपनी, लेकिन जे जो आज मैंबर बना के हमारे सिर पर छोड़ दी, उनकी कुर्बानी कोई नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ये इस कमेटी को रद्द किया जाए, नवे सिरे से कमेटी, सरकार को मैं ये चेतावनी देता हूँ, अगर इस कमेटी को अगर कुछ करती है तो सारी संगत जो है जहाँ भी ये जाएंगे इनका विरोध होगा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 38 सदस्यों का ऐलान किया है, जिसमें सिर्फ 7 सदस्य वो लिए गए हैं जिन्होंने अलग कमेटी के लिए संघर्ष किया, जिसको लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों का विरोध देखने को मिल रहा है। HSGPC सदस्यों ने आरोप लगाया कि अलग कमेटी में बाकी 31 सदस्यों ने कोई भूमिका नहीं निभाई, इसीलिए सरकार को यह कमेटी भंग करनी चाहिए। वहीं HSGPC सदस्यों ने झिंडा को लेकर भी विरोध जताया है कि वो सरकार के साथ मिल गए हैं। HSGPC का कहना है कि यदि जगदीश सिंह झिंडा समेत 7 सदस्यों ने इस्तीफा नहीं दिया तो संगत उनका भी हर जगह विरोध करेगी। आज का जो एजेंडा है जी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वाइस का प्रधान है जी मैं यूथ का, ये सारे मैंबर खड़े ने अपने जी। सब तो पहला एजेंडा तो साडा उही है जी, सरकार के खिलाफ जो सरकार ने कमेटी बनाई है वो सारे के सारे जिहड़े मैंबर हैगे ने उन्हां दा किधरे नाम नहीं, किधरे उन्हां दा कोई कम नहीं, वो अज तक साड़ी हरियाणा कमेटी का विरोध करते आए ने। सरकार ने उन्होंने ही सरकार के सिर ठोके ने, सरकार ने तलवे चट्टण वाले अपने मैंबर बना लिया। उन्होंने कोई भी उन्होंने यहो जी कोई कुरबानी वाला कोई कभी भी किसी साढ़े हरियाणा कमेटी के एक जगह भी दिखा देन, किसी जगह भी उन्होंने साढ़े नाल खड़े होन या किसी भी मीटिंग के आए हो, सानू यहोजे मैंबर की बिल्कुल कदाचित लोड़ नहीं हैगी। असी यही चाहते हैं सरकार को कि कमेटी को भंग किया जाए, अगर सरकार भंग नहीं करती तो साढ़े जो हरियाणा कमेटी के साडे प्रधान साहब ने जगजीत सिंह जी ढींडा तो जो साढ़े उन्होंने नाल 6 मैंबर ने, असी उन्हें अगे हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं कि तुम इस कमेटी तो इस्तीफा दे दौ, अगर तुम इस्तीफा नहीं देंगे तो तुहाडा भी विरोध होएगा सारे हरियाणे दे विच, और आने वाले टाइम के उत्ते संगत के सामने कोई जान जोगा नहीं रहेगा। संगत दे विच बहुत रोष है इस कमेटी के खिलाफ, तो असी यही चाहते हैं भी इनू इस्तीफा दो, प्रधान जी इस्तीफा दे। विरोध क्यों है? हाँ जी विरोध तो ये है जी, जिन लोगों ने संघर्ष किया 20-20 साल से, लाठियां खाई, जिन लोग हमारे पास सारे पड़े हैं, हमने कुर्बानियां करी, धरना लगाया, फूलचंद मलाना जी के सामने, चट्टा साहब की कोठी के सामने धरने लगाए, सबके विरोध में सारी संगत ने अपने पल्ले से पैसे खर्च करे, कुर्बानियां करी, टाइम खराब करा, गाड़ियां तोड़ी अपनी, लेकिन जे जो आज मैंबर बना के हमारे सिर पर छोड़ दी, उनकी कुर्बानी कोई नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि इस कमेटी को रद्द किया जाए, नवे सिरे से कमेटी, सरकार को मैं ये चेतावनी देता हूँ, अगर इस कमेटी को अगर कुछ करती है तो सारी संगत जो है जहाँ भी ये जाएंगे इनका विरोध होगा और सरकार के खिलाफ हम चलेंगे। मेरा नाम है ज्ञान सिंह संधू, एडवोकेट, मैं एक्स लीगल सैल का प्रधान हाँ हरियाणा SGP का। जिहड़ी हरियाणा SGP दोबारे भंग करके नवी बनाई है सरकार ने, एक सब तो पहला तो ये सिख संगत के जिहड़े हैं नुमाइंदे ही नहीं है, ये सिर्फ BJP सरकार के अपने रिप्रजेंटेटिव हैं जिहड़े अपने उन्होंने पिट्ठू हैं, उन्होंने उन्होंने सिख संगत दे थोप दिता है। जिहड़ी सिख संगत है सारे ने पढ़ के बड़ा रोस होया कि ये सरकार ने किया कि ये, तो सरकार ने सिर्फ एक कम्यूनिटी नूं रिप्रजेंटेटिव दिता है, कोई दूजी कास्टा चो, क्योंकि सिख जो संगत है सारी कास्टा की है, सारी कास्टा रिप्रजेंट करती है, सरकार ने सिर्फ एक कम्यूनिटी दे ही बंदियां नूं एक कमेटी च पाया है। सरकार ने जिहड़ी हरियाणे की सिख संगत है उन्हें डिवाइड करता है, आपस च भी ये झगड़े रहन, ये बड़ी मुश्किलों नाल बड़े जद्दोजहद नाल बड़े कुरबानियों नाल असी जिहड़ी हरियाणा SGP दी जिहड़ी मंग पहलां कीती सी, जिहड़ी पहली सरकार ने मंजूर की सी, जे मैंबर सी 41 उन्होंने सारी कम्यूनिटी के सारे एरिया के मैंबर। झिंडा साहब जे इस गल का विरोध नहीं करे सिख संगत उन्हों का भी विरोध करे। झिंडा साहब
मैं तो कहांगा झिंडा साहब दी ते बलजीत सिंह दी सारी ये देन है जो आपस च प्रधानगी दे चक्कर ना पैंदे मैं प्रधान हो के मैं प्रधान हाँ ये अज ये लड़ाई ना होंदी इहनू जिहड़ी है बीजेपी सरकार है इहनू ये मौका नहीं मिलना सी भी असीं अपने मैंबर थोप दईए जिहड़े पहले मैंबर सीगे उहदे च सरकार दे भी असीं मानदे हां उहदे सरकार दे मैंबर सीगे कुछ पर इह नहीं सी वी इस सरकार ने तो सारे ही अपने मैंबर बना दे सिर्फ सत्त मैंबर ने जिहड़े पुराने ने उह ले ने जिस नूं पद मिल गया उहनूं ते लालच हुंदा हुंदा चाहे कोई भी होए इस तरह बलजीत जी उन्हां नूं भी इह लालच पै गया उन्हां तों रिजाइन लिया गया है ते हुण जिहड़ी 21 तरीक नूं जिहड़ी मीटिंग कुरुक्षेत्र बुलाई गई है उहदे च एग्जैक्टिव कमेटी इहनां दी बनाई जाएगी पंज ते मैंबर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ 1.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ